हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं डेली। अब आपके सामने एक चैप्टर डिस्प्ले होगा बायो का, जो कि हम कंप्लीट बायो के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो चाहे वो पैरामेडिकल्स का हो। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वीडियो मैक्सिमम होगी तो 15 मिनट का ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 20 पेज है। एक पेज पर मैक्सिमम करेंगे कि जो है बहुत ही कम समय दिया जाए, बस हम पॉइंट टू पॉइंट फोकस करेंगे। बॉडी जो है उसके अंदर हमारा ब्लड फिल होता है, आपको पता है, और ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है। अंदर जो फ्लूइड हमारे बॉडी में उसका नाम लिम्फ है, जो कि कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है एक 55% जो है वो फ्लूइड का, बॉडी का, ब्लड का कंटेंट करता है 55%। इसके बाद 90 से 92% जो है वाटर प्रोटीन और कंट्रीब्यूट करते हैं, 6 से 8% जो है प्रोटीन, इसके बाद जो है वाटर कंट्रीब्यूट करता है 90 से 92%। फाइब्रोजन क्या है? क्लाटिंग और कॉगुलेशन में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन क्या है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। एल्ब्यूमिन क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन जी से ग्लोब्यूलिन, डी से डिफेंस मैकेनिज्म, GD। इसके बाद फाइब्रिनोजन क्या करता है? क्लाटिंग और कॉगुलेशन में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन पूछा हुआ था, कई बार पूछता है। इसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा सीरम। प्लाज्मा विदाउट द क्लाटिंग फैक्टर उसको कहते हैं सीरम। फॉर्म एलिमेंट जो है वो है एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, और जो कि कंटेंट करता है 45%। 55% आप देखेंगे ये कंटेंट किया प्लाज्मा, और बाकी बचा 45% कंटेंट करेगा ये। एथ्रोमिस होता है रेड, साइटोसिस मिस होता है जो है, साइट्स मिस होता है सेल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आरबीसी के बारे में। आरबीसी का नंबर आपको पता है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब है। आप यूनिट को विशेष ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी में 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो यूनिट में आपको घुमा देंगे। आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसके बारे में और कुछ नहीं आपको जानना है। एक्सेप्शन है कैमल और लामा में, ये थोड़ा सा आपको जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि आरबीसी आपको पता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और उसके अंदर जो है पहला पॉइंट यही कह रहा है जो है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, न्यूक्लियस उसके यहाँ आरबीसी में नहीं पाया जाता, लेकिन कैमल और लामा जो है एक्सेप्शन है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट में, आपको पता है आरबीसी रेड बोन मैरो में पाई जाती है, और आरबीसी का आपको पता है सेप बाई कॉन्केव होता, अंदर हीमोग्लोबिन होती। आरबीसी 12 से 16 mg पर DL पाई जाती है। इसके बाद 100 ml में बात कर रहा है जो है। आरबीसी की लाइफ स्पैन आपको पता है कि 120 दिन होती है। स्प्लीन को जो है ग्रेवार्ड हाफ आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी की साइज जो है 7 माइक्रोमीटर की होती, 7 माइक्रॉन की होती है, जो कि इसका करेक्ट है 7.2 है, जब कॉलेज में आएंगे आप पढ़ेंगे। आरबीसी के अंदर कोई DNA नहीं होता है, मतलब जो है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, जो है आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ल्यूकोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं। ल्यूकोसाइट जो है कलरलेस फ्लूइड है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती है जो है। ल्यूकोसाइट्स जो है दे आर न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेस नंबर में होते हैं, जिसका नंबर है 6000 से लेकर 8000 तक पर MM³ है। आप जो है ये जो पर MM³ है, जो ये यूनिट है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आरबीसी की लाइफ सबसे शॉर्ट होती है, 10 दिन की होती है। इसके बाद हायर टू लोअर पूछ लेता है जो है आरबीसी, ये पूछ लेता है जो है ये WBC। तो WBC के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हायर टू लोअर WBC पूछता है, तो यहाँ पे देखेंगे BEMLN, ये ट्रिक है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है, लिम्फोसाइट होता, मोनोसाइट होता, इस्नोफिल होता, बेसोफिल होता है। एक ट्रिक याद रखेंगे, पूछता है BEMLN, इसको आप जो है लोअर टू हायर आप याद रखेंगे। न्यूट्रोफिल 60 से 65% पाया जाता है, बेसोफिल जो है 0.5 से 1% पाया जाता है, न्यूट्रोफिल जो है एंड मोनोसाइट जो है 6 से 8% पाया जाता है, जो कि फैगोसाइट्स होते हैं, और बेसोफिल आपको पता है जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन सिक्रेट करता है। इस्नोफिल आपको पता है 2 से 3% पाया जाता है। लिम्फोसाइट आपको पता है 20 से 25% पाया जाता है, जो कि बी एंड टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट नॉर्मल होता है, टी लिम्फोसाइट जो है ये थाइमस ग्लैंड जो है, ये आपको चीज़ें बताऊँगे। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज लिम्फोसाइट, तो ये लिम्फोसाइट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, इस पर क्या क्वेश्चन आएगा। जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये जो है ट्रू सेल नहीं है, मेगा कैरियोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। इसकी संख्या होती 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ है। इसके बाद इन्वॉल्व होता है, ये क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, मतलब कोगुलेशन करवाता है, कोगुलेशन। ब्लड ग्रुप है, अब देखेंगे ये साइंटिस्ट जो दिया था उसका नाम था लैंड स्टेनर, साइंटिस्ट नाम था जो है। और एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम इन्होंने दिया हुआ था, एबीओ और इसके बाद आरएच निगेटिव। इसके बारे में आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ओ है यूनिवर्सल डोनर है, ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यहाँ पे आप देखेंगे किसमें एंटीबॉडीज़ जो है पाई जाती है, किसमें एंटीजन पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे ओ है उसके अंदर जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडीज जो है ए बी के अंदर नहीं पाया जाता, ए बी के अंदर जो है एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, तो और एंटीजन ओ के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, मतलब सर्वदाता है। इसको आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, बाकी यहाँ से और कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा। फिर आता है आरएस ग्रुपिंग सिस्टम आता है। आरएस ग्रुपिंग सिस्टम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि इसमें है एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पे जो है क्वेश्चन पूछता है, बस यहाँ से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, कोगुलेशन ब्लड जो है इसको थोड़ा सा आप फोकस कर लेंगे, जो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, इसमें जो है हम पढ़ेंगे जो है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता है कैल्शियम आयंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, बॉस यहाँ से और कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और जो कैल्शियम है इसके बाद फिर जो है विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के में भी, और फिर जो है 3, 7, 9, 10 ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ये थोड़ा सा आप जो है पढ़ के ही आएंगे अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। विटामिन के डिपेंडेंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 3, 7, 9, 10। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फाउंड इन लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन विच आर फाउंड इन प्लाज्मा सेल ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, आपको रटा होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर पूछ ही लेता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिन, प्रोथर्मिन, थ्रोम्बिन, कैल्शियम प्रोएक्सिलिन, एक्सिलिन, प्रोकॉन्वर्टिन, AHF। AHF बोले तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसके बाद जो है हीमोफीलिया बी फैक्टर, स्टेरॉइड फैक्टर PTA या हीमोफीलिया सी फैक्टर जो है। इसके बाद फिर लैंकी लॉर्ड एंड फैक्टर जो है फाइब्रोनोडल स्टेबलाइजिंग फैक्टर अदर नाम है इसका। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑल दी क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड आर सिंथेसाइज इन लीवर एक्सेप्ट थर्ड जो है, जो थर्ड है उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बोब्लास्टिन, जो कि ये सिंथेसाइज इन टिश्यू में सिंथेसाइज होता है, और कैल्शियम। इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग इस कार्ड जो है थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इन थ्रोम्बो बस डिटेक्ट फ्रॉम द सेल वॉल वेसल्स कार्ड इम्बोलस। इम्बोलस और थ्रोम्बोसिस आपको पता होना चाहिए। लिम्फ आपको पता है इंटरस्टिशियल फ्लूड है जो है, टिश्यू फ्लूड है, जो कि जो है ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर जो है RBC नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन वगैरह जो है नहीं पाया जाता है, जो है हीमोग्लोबिन ही तो कलर देता है, आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है रेड कंटेनिंग पिगमेंट है। सर्कुलेटरी पाथवे आता है जो है, इसको स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको एंजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी है विलियम हार्वे हैं। इसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, दो प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। किसमें ओपन होते हैं, किसमें क्लोज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साइनस क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइनस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थोपोडा एंड मोलस्का, ठीक। इन विच ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाई हार्ट पजेस थ्रू लार्ज वेसल इंटू ओपन सेक्स, लार्ज वेसल से ओपन सेक्स में जाता है, मतलब जो है इसमें कैपिलरी वगैरह नहीं पाई जाती। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है कैपिलरीज और ये वेंस वेनियोस और ये आर्टरी आर्टरियोस ये सब नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं साइनसिस कहते हैं। एनिलिडा आर्थोपोडा में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनिलिडा आर्थोपोडा में आपको पता, बस इतना याद रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थोपोडा मोलस्का, एनिलिडा आर्थो क्वाड्रेटम जो है, एनिलिडा क्वाड्रेटम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बस।
ऑल वर्टिब्रेट्स पजेज मस्कुलर चैम्बर्ड हर्ट, सभी वर्टिब्रेट्स में जो है मस्कुलर चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं। फिश में आपको पता है दो चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल है जिसमें तीन चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं, टू आर्टिकल्स होते हैं एक सिंगल वेंट्रिकल्स होता है। फोर चैम्बर्ड हर्ट आपको पता है जो है कहाँ पाए जाते हैं, जो है फोर चैम्बर्ड हर्ट आपको पता है बर्ड और मैमेली के अंदर फोर चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको पता होना चाहिए, डबल सर्कुलेशन आपको पता होगा डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन थोड़ा सा भी हम बता देंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखेंगे जो है हर्ट का जो है ओरिजिन होता है मीजोडर्मली होता है, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, हर्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थोरैक्सिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। जो है हर्ट का वेट क्या है, ऑन एवरेज वेट 250 ग्राम है फीमेल में है, और मेल में जो दिल है उसका वजन है वो 300 ग्राम, मतलब फीमेल के अंदर जो है वो दिल होता है वो छोटा होता है। इसके बाद पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हर्ट इज सिचुएटेड इन पेरिकार्डियल कैविटी लाइंड बाय पेरिटोनियम, हर्ट की जो है लेयर है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। जो है हर्ट की लंबाई ये पता होनी चाहिए, चौड़ाई क्या है। इसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी है वे सेरस पेरिकार्डियल फ्लूड जो भी है 5 से 30 ml है। इनवर्टिब्रेट्स ट्रायंगल पोजीशन, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इन बिग एंड वॉल थिक, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है होता है वो थिक होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है, और पंप करता है तो उसमें जो है पंप से जो है पूरे बॉडी में हमारे जो है एवोर्टा के थ्रू ब्लड जो है जाता है। इसके बाद ये देखिए ये क्या कह रहा है, जो है आवर हर्ट हैज़ फोर चैम्बर, ठीक है टू अपर चैम्बर टू लोअर चैम्बर जिसको आर्टरी और वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसके बाद इंटर आर्टिकल सेप्टम है, इंटर वर्टिकुलर सेप्टम है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है उसको वाल को क्या कहते हैं, उस वाल को क्या कहते हैं, और राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछे बस, और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं रखने वाला है। इसके बाद हम आज चले जाते हैं इधर, जो है यहाँ से क्वेश्चन अटल बिहारी में नहीं पूछ सकता, पेपिलरी मसल वगैरह ये चीज़ें नहीं पूछेगा। इसके बाद हर्ट वाल जो है तीन वाल होती है हर्ट की, एपिकार्डियम मायोकार्डियम इंडोकार्डियम, एपिकार्डियम सबसे ऊपर होती, मायोकार्डियम बीच वाली होती, इंडोकार्डियम सबसे नीचे वाली होती है, इंडो डर्मल ओरिजिन होती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखा है नो नर्व फाइबर आर प्रेजेंट इन वाल ऑफ, हमारे जो वाल ऑफ हर्ट होती है हर्ट के वाल होते हैं उसमें कोई जो है नर्व फाइबर जो है नहीं पाया जाता है। इसके बाद आप हर्ट की थिकनेस देख लेंगे 3:1 पाया जाता है, मतलब वेंट्रिकल जो है वो मोटा होता है, आर्टिकल जो है ये जो है वो रेशियो 1 होता है, ठीक है थोड़ा सा वो पतला होता है। इसके बाद आप देखेंगे जो है ट्राई कस्पिड वाल होती है, बाइक स्पिड वाल होती है, दो वाल होती जो है, बाइक स्पिड वाल को जो है वो मिट्रल वाल भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए जो है, और यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है नहीं आने वाले हैं। फोरामन ओवैली क्या है, फोरामन ओवैली जब है जब आपको पता होना चाहिए जब बच्चा पेट में होता है ड्यूरिंग फीटल स्टेज जो है फीटल लाइफ स्टेज, तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बच्चे के अंदर होता है, जो हर्ट पम्प आपको पता है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बच्चे के अंदर होता है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए जो फोरामन ओवैली होता है ये ओपन होता है, ये क्लोज हो जाता है, हमको लगता है ये जो है 6 मंथ में जो है या 5th मंथ में क्लोज हो जाता है, जो है 6 मंथ में तो ये होता है क्लोज, ये जो है फोरामन ओवैली, तो जो है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने लगता है, यही जो है किसी के अंदर जो है ये क्लोज नहीं हो पाता है और बच्चा पैदा हो जाता, तो कभी आपने सुना होगा कि बच्चे के अंदर दिल में छेद हो गया, तो जो आम भाषा में कहते हैं तो यही होता है फोरामन ओवैली होता है, ये जो है ओपन ही रहता है। इसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, जो है सेमिलर वाल से कोई क्वेश्चन नहीं आने, और टाइप्स ऑफ हर्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सिंगल चैम्बर्ड हर्ट इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, टू चैम्बर्ड हर्ट फिश में पाया जाता है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट आपको पता है जो एम्फीबिया और लंग फिश में पाया जाता है, ठीक है, और क्रोकोडाइल में आपको पता कितने चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं, जो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हर्ट रेप्टिलियम पाया जाता है, फोर चैम्बर्ड हर्ट क्रोकोडाइल एब्सेंट मैमल पाया जाता है, जो है वेनस हर्ट जो है फिश में होता है, एस शेप हर्ट फिश में होता है, इसके बाद जो है ट्यूबुलर हर्ट जो है काकरोच में होता है, ट्यूबुलर मतलब जो है ब्लड इसके अंदर काकरोच के अंदर जो लिम्फ होता है वो एक ट्यूब में ही फ्लो करता है।
और काकरोच में आपको पता 13 चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं जो है। इसके बाद एनिलीडा मोलस्कम जो है पल्सेटिंग हर्ट होता है, पल्सेटिंग मतलब हर्ट को जो है आप जो है पल्सेटिंग होता है उसकी पल्स को आप नाप सकते हैं। लिम्फैटिक हर्ट होता है फ्रॉग में होता है, नो हर्ट नाइसेरिया और एम्फियाक्सस में होता है। लार्जेस्ट हर्ट जो है ब्लू व्हेल इसमें पाया जाता है। ठीक, अब न्यूरोजेनिक हर्ट और मायोजेनिक हर्ट इसको थोड़ा सा आपको सतर्क रहते हुए पढ़ना है, क्योंकि एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, काफ़ी स्टूडेंट गलत कर दिए थे और इस पर क्वेश्चन भी अटल बिहारी में पूछा था, मायोजेनिक हर्ट पूछा हुआ था। ये पूछ लिया था काकरोच में कौन सा हर्ट पाया जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो न्यूरोजेनिक जो हर्ट होता है वो हर्ट होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में होता है, इनवर्टिब्रेट जितने हैं सब में जो है न्यूरोजेनिक हर्ट होगा। मोलस्का और वर्टिब्रेट्स में जो है वो होगा मायोजेनिक हर्ट होगा। और आपको पता है कि हर्ट जो है हमेशा आपको पता है कि मैक्सिमम जो है 99.9% जो है लेफ्ट में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें राइट में होता है, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। और हर्ट में आपको पता है जो सप्लाई होती है आर्टरीज की वो होती है कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी जो है राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, दो कोरोनरी आर्टरी होती हैं। जब यही कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है तो आपको पता है जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, इसके बाद ये चीज़ें हो जाती हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हर्ट क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हर्ट में आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, द एंटायर हर्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, पूरा हर्ट हमारा कार्डियक मसल बना होता है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट आर्टिकल्स, ठीक है। स्पेशलाइज कार्डियक मसल कार्ड जो है नोडल टिश्यू होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हर्ट, ठीक है। ए पैच ऑफ दैट टिश्यू आर प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर होता है और जिसको कहते हैं एस ए नोड। इसका भी थोड़ा सा हम बताएंगे, जो है आपको पता होगा कि जो एस ए नोड होता है, ए वी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, पुरकंजे फाइबर होता है, ये कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट हैं। ये आप लोग पढ़ लेंगे डिटेल में आता है, आप जब आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ये चीज़ें आपको मिलेंगी फर्स्ट ईयर में, एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकंजे फाइबर। और कभी काल इसका आर्डर भी आपको मिल जाएगा अटल बिहारी में। तो आप एस ए नोड सबसे ज़्यादा इम्पल्स कंडक्ट करता है, मान लीजिए किसी का एस ए नोड ख़राब हो गया, आपको पता है कि ख़राब हो जाते हैं वाल जो है, तो एस ए नोड ख़राब हो गया तो जो है आर्टिफिशियल भी लगाए जाते हैं, आपको देखे होंगे जो है जिसका वाल वगैरह ख़राब हो जाता है तो आर्टिफिशियल भी लगता है। तो एस ए नोड सबसे ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करता है, इसके बाद ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस, इसके बाद जो है पुरकिंजे फाइबर जो है ये ट्रांसमिट करता है, फिर हर्ट जो है हमारा पंप करता है। हर्ट आपको पता है कि सेल्फ इम्पल्स जो है जनरेट करता है, मतलब ये जो है ऑटो एक्साइटेबल होता है, हमेशा धड़कता रहता है। और फिर ये चीज़ें तो आपको पता है, एक मिनट में जो है 70 से 72 बार या 70 से 75 बार ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एस ए नोड जो है इतना पंप करता है। और वन हर्ट नॉर्मली बीट्स 70 से 75 टाइम्स इन वन मिनट, ऑन एवरेज 72 बीट आपको पता होता है। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, ट्रैकी मीन्स होता है बढ़ना और कार्डिया मीन्स होता है हमारा हर्ट रेट, तो हर्ट रेट जब बढ़ जाता है, हर्ट बीट बढ़ जाती है, उसको ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ब्रैकीकार्डिया मतलब घटना और हर्ट मतलब हर्ट बीट जो है जब घट जाती है उसको कहते हैं ब्रैकीकार्डिया। तो ये जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई जो है। और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, तो कार्डियक एक्टिविटी में क्या ही पूछेगा, यहाँ से जो है मायोजेनिक होता है आपको पता होना चाहिए, हमारा हर्ट जो है ये न्यूरोजेनिक नहीं होता, ये जो होता है मायोजेनिक होता है, ऊपर हमने बताया। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है स्पेशलाइज न्यूरल सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन, जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है ये हमारे हर्ट को जो है वो रेगुलेट करता है, ये कंट्रोल करता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू दी सिंपैथेटिक नर्व, ये होता है जो है कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक इनपुट कितना है, ये चीज़ें आप देख लेंगे जो है। एडेंडल मेडुलरी हार्मोन्स आर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, जो एडेंडल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं वो कार्डियक आउटपुट को जो है वो बढ़ा देते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कितने मिनट की होती है, बस यही आप देख लेंगे, उसमें कुछ नहीं पूछता है। कार्डियक साइकिल में और कुछ चीज़ें पूछती नहीं है, कितने जो है समय के लिए होता है बस यही पूछता है जो है 0.8 यहाँ पे देखेंगे है, इसके बाद फिर जो है ये देख लेंगे कार्डियक साइकिल थोड़ा सा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है बस, और कार्डियक साइकिल में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.8 सेकंड के लिए रुका होता है। एज मेंशनड अर्लियर 72 टाइम्स पर मिनट्स दैट आर कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म बाई मिनट्स फॉर दिस इज कंट्रीब्यूटेड बाई द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, जो होती है 0.8 सेकंड।
वन साइकिल जो है 70 ml कंटेंट करता है, जो कि बीट वैल्यूम कहते हैं। एक मिनट में जो है कार्डियक आउटपुट जो है ये होता है जो है कितना, जो है एक मिनट में 5 लीटर जो है ब्लड जो है पंप करता है। 70 × 72 कर देंगे तो 5 लीटर आराम से आपका जो है निकल जाएगा। हर्ट साउंड आपको पता होना चाहिए, जो हर्ट साउंड हमारा क्या होता है, वो होता है क्लोजर ऑफ ट्राइक स्पीड एंड बाइक स्पीड वाल, जो कि फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, सेकंड हर्ट साउंड का प्रोड्यूस होता है, और जब हमारा जो है सेमिल्यूनर वाल क्लोज होती है। थर्ड हर्ट साउंड आपको कब प्रोड्यूस होता है, जब जो है रैपिड फिलिंग होता है वेंट्रिकल्स में। फोर्थ हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब जो है इट्स अपीयर ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल, जब आर्टेरियल सिस्टोल करता है तो जो है फोर्थ हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। ECG का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, और ECG में 6 लीड होती हैं, बस इतना याद रखना है। ECG में और कुछ याद नहीं रखना है, बस ये नीचे पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा। पी वेव जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया जो होता है वो पी वेव होता है। QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल QRS वेव, QRS वेव। इसके बाद टी वेव जो होता है वो होता है रिपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल्स का। रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का होता होगा तो होगा होगा टी वेव होगा, बस। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। डबल सर्कुलेशन आपको पता होना चाहिए, पल्मोनरी, और इसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और ये सब तो नहीं पूछता जो है। हाँ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए जो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो है वेन, जो है पल्मोनरी आर्टरी है आपको पता होना चाहिए। आर्टरी ए से आर्टरी, ए से ऑक्सीजनेटेड आर्टरी, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हर्ट से जो है पूरे बॉडी में। लेकिन जो हमारे लंग में ब्लड जाता है, हर्ट से लंग में ब्लड जाता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, जो कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेक जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेक जाती है, ये है एक्सेप्शन। और पल्मोनरी वेन भी ऐसे एक्सेप्शन है, बस यहाँ और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ लेता है। और हिपोटिक पोर्टल सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्या है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वही है कि यूनिक वैस्कुलर कनेक्टिंग एक्सिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। द हिपैटिक पोर्टल वेंस कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, जो हमारी इंटेस्टाइन है लीवर में जो है आपको पता है ले जाता है, लीवर में जो है डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए लीवर में जो है हमारा अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है, यूरियोटोलिक और अमोनोटोलिक, ये भी आप चीज़ें याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन कोई आएगा नहीं। और कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन में थोड़ा सा आप जो है ये ध्यान रख लेंगे, जो हमारा ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल दे आर डीपली सिचुएटेड, ब्लड वेसल आपको पता है डीपली सिचुएटेड होती हैं। आर्टरी होता है, वेंस होता है। आर्टरी में हमारे नॉर्मली जो ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, वेंस में जो ब्लड फ्लो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हर्ट, हमेशा आर्टरी जो है ब्लड को नॉर्मली जो है हर्ट से अवे ले जाती है। मोस्ट दे हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वॉल ऑफ आर्टरी हैव इलास्टिक फाइबर विच मेड ऑफ नॉन कोलेप्सिबल, इलास्टिक फाइबर का बना होता है जो कि कोलेप्स नहीं करता। वेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेन कैरी ऑलवेज जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ब्लड टूवर्ड्स दी हर्ट, हमेशा ये ब्लड को हर्ट की तरफ ले आता है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। वॉल हैव नो इलास्टिक फाइबर देयरफॉर कोलेप्स इन एबल ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। और सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक 120/80 mmHg होता है, आपको पता है ये ब्लड प्रेशर हो गया। और ब्लड प्रेशर क्या, प्रेशर एक्साइटेड बाई फ्लोइंग ब्लड ऑन मेजर आर्टरी स्कॉल्ड ब्लड प्रेशर है। और 120/80 आपको पता है जब हाइपरटेंशन हो जाता है 140/90 हो जाता है। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज आपको पता है CAD है, जिसके अंदर जो फैट कोलेस्ट्रॉल फाइब्रोस टिश्यू वगैरह का जो है डिपोजिशन हो जाता है, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ये देखो डिपोजिशन ऑफ फैट, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आप कॉलेज में आएंगे डिटेल पढ़ेंगे। एंजाइना का है, एंजाइना पेक्टोरिस आपको पता है एक्यूट चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट चेस्ट बहुत तेज़ दर्द करने लगता है, ये मेन में ज़्यादा होता है वुमेन में कम होता है, 4:1 के रेशियो में होता है जो है। हर्ट फेल्योर क्या होता है, हर्ट फेल्योर जब ब्लड पंप नहीं करता, नो पंपिंग ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड हर्ट फेल्योर। कंजेशन हर्ट फेल्योर जो हर्ट जो है ये जो रुक जाता है, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है जो है ड्यू टू इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट
पॉइंट्स है, जो कि एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। कल एक चैप्टर के साथ आपके सामने और रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही चैप्टर हो। बस इतना पॉइंट पढ़ना, जितना हमने पॉइंट पढ़ा हुआ है बस इतना ही पॉइंट पढ़ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद।